गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश प्रो क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश प्रो क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, सुनो कि हम लोग रिसेंटली अभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं और कंप्लीट किए हैं, जिसका नाम था क्वेश्चन टैग। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्वेश्चन टैग में टोटल 10 क्लासेस को देखे थे। ठीक है ना, उसमें 10 क्लासेस चले थे। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप उस क्लास को ज्वाइन नहीं किए थे तो आप जाकर उस क्लास को ज्वाइन करिए। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत जो किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आर्टिकल, जो किसी भी लेवल के लिए किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं, नाम सुने हैं इस आर्टिकल के बारे में। तो सबसे पहले आप जानते होंगे डेफिनेशन जो लिखा हुआ है यहाँ, ए एंड द को क्या कहा जाता है, आर्टिकल कहा जाता है। जो भी ए होते हैं, है ना, ए होता है, एन होता है, द होता है, सबको क्या कहा जाता है, आर्टिकल कहा जाता है। नीचे लिखा हुआ है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटरमाइनर कहा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को क्या कहा जाता है, डिटरमाइनर्स कहा जाता है। आज के आधुनिक ग्रामर के अनुसार मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को डिटरमाइनर्स कहा जाता है। ठीक है, नीचे मैं इंग्लिश में एक बात लिख देता हूँ, आर्टिकल्स आर मेंबर ऑफ ग्रुप वर्ड्स इज कॉल्ड डिटरमाइनर्स। आर्टिकल जो होते हैं वो ग्रुप वर्ड के मेंबर्स होते हैं। ठीक है ना, ग्रुप वर्ड्स के मेंबर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको क्या कहा जाता है, डिटरमाइनर्स कहा जाता है। एंड डेट आर यूज बिफोर नाउन, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आर्टिकल का यूज जो है हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। तो आप समझ गए आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार आर्टिकल को डिटरमाइनर्स कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड आर्टिकल आर मेंबर ऑफ ग्रुप वर्ड्स। ओके फ्रेंड्स, ग्रुप वर्ड्स इज कॉल्ड डिटरमाइनर्स। जो आर्टिकल होते हैं वह क्या होते हैं फ्रेंड्स, ग्रुप वर्ड्स के मेंबर होते हैं, जिनको डिटरमाइनर्स कहा जाता है। एंड डेट आर यूज बिफोर नाउन, जिनको नाउन के पहले। आर्टिकल्स के अलावा कुछ अनडिटरमाइनर्स हैं, डिटरमाइनर्स है, आर्टिकल के अलावा कुछ अन्य डिटरमाइनर्स हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि ए एंड द के बाद नाउन आता है तो जो डिटरमाइनर्स हम लिखने चल रहे हैं इसके पहले जो है क्या होता है, कुछ अन्य डिटरमाइनर्स है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, माई लिखा है, योर लिखा है, हिज लिखा है ना फ्रेंड्स, हिज लिखा है, आवर लिखा है, क्या लिखा है, आवर लिखा है, दिस लिखा है, डैट लिखा है, दोज लिखा है। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं यह किसी नाउन के पहले लगते हैं, इसका मतलब है इसके बाद नाउन का यूज किया जाता है। तो जो आप जानते हैं ए एंड द के बाद जो है आर्टिकल का यूज, ए एंड द के बाद जो है नाउन का यूज होता है, उसी तरह से यह डिटरमाइनर्स जो दिए गए हैं इसके बाद भी नाउन का यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, आगे की क्लास में हम लोग देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। तो लिखेंगे फ्रेंड्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल दो तरह के होते हैं, आप सब जानते हैं दो तरह के होते हैं। फर्स्ट आर्टिकल लिखा हुआ है डिफिनिट आर्टिकल, सेकंड लिखा हुआ है इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स, डिफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं, ये हम आपको बता देते हैं डिफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आज आपका फर्स्ट क्लास है, हो सकता है थोड़ा आपको सबसे आसान लगता हो सकता है, आपको पहले जैसा लगता हो सकता है, एज यूजुअल लगता हो, लेकिन कोई बात नहीं है। फर्स्ट क्लास में कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। आप सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कम से कम इसमें 6 क्लासेस मुझे देने हैं, आपका हमेशा हमेशा के लिए आर्टिकल का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। आई एश्योर हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को मिस ना करेंगे, रेगुलर क्लास को ज्वाइन करेंगे। तो हम देख लिए कि देर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स, अब डिफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं, तो नीचे लिखा हुआ है द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, द को क्या कहा जाता है, डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अब आइए अब हम टॉपिक को देख लेते हैं, द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। लेकिन इसी में एक और लाइन हम लोग देखते हैं, कब जब द को हम दी पढ़ते हैं और कब द को हम द पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत जगह ऐसा आता है कि जब हम द को द पढ़ते हैं, और बहुत जगह ऐसा यूज आता है कि जब हम द को दी पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए लिखा हुआ है, लिखा हुआ यहाँ, अगर कंसोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले दी आता है, अगर कंसोनेंट शब्द के पहले दी आता है तो उसे द कहा जाता है। ठीक है ना, अगर कंसोनेंट कोई आता है शब्द तो उसको क्या कहा जाता है, द कहा जाता है। ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है, द पढ़ा जाता है। जैसे दिस इज द बॉय, एग्जांपल हम लिखेंगे दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय। तो आप बताइए यहाँ जो बॉय वर्ड है यह कंसोनेंट है कि नहीं बॉय, तो इसको हम द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, द पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, हम इसको द पढ़ेंगे, आपको ध्यान देना है द पढ़ना है। जैसे दिस इज द बॉय है ना, आगे लिखेंगे दिस इज द गर्ल, क्या लिखेंगे, दिस इज द गर्ल, जी आई आर एल, दिस इज द गर्ल। तो जी है वो कंसोनेंट है,
तो इसको द पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, यह क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। जैसे लिखेंगे दिस इज द कार, दिस इज द कार, तो जो कार है उसका पहला लेटर कंसोनेंट है तो द पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अब आइए हम लोग दूसरा रूल देखते हैं कि हम जो है द को द कब दी पढ़ते हैं, द को कब दी पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है, सेकेंड रूल हम बता देते हैं कब द को हम दी पढ़ते हैं। तो लिखेंगे किंतु भावेल से शुरू होने वाले शब्द के पहले जब द आता है तब उस द को दी पढ़ा जाता है। जब भी कोई भावेल आ जाएगा और उस मतलब भावेल जो होगा उसके पहले दी पढ़ा जाएगा, जो वर्ड कंसोनेंट से शुरू होगा उसके पहले द पढ़ा जाएगा। जैसे लिखेंगे दिस इज द ऑक्स, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम्पल में लिखेंगे दिस इज दी, क्या पढ़ेंगे, दिस इज द ऑक्स, चूंकि ऑक्स जो है वो भावेल है। ओके फ्रेंड्स, अब लिखेंगे दिस इज द एग कहिए या एंट कहिए, ANT, दिस इज द एंट, एंट माने होता है चिट्टी, तो यहाँ ए के पहले द का हुआ है ना। जैसे दिस इज द, लिखेंगे दिस इज द एलिफेंट है ना, EL लिखेंगे ELEPHANT, दिस इज द एलिफेंट, यह एलिफेंट है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पहला वर्ड भवेल है, यहाँ पहला वर्ड भवेल है, इसीलिए इसको हम यूज क्या करेंगे, दी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दी है ना। लेकिन जब यहाँ कॉन्सोनेंट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, पहले द का यूज करेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए फ्रेंड्स, आर्टिकल किसे कहते हैं, तो आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल जो होता है ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। अनडिटरमाइनर्स होते हैं जिसको माई कहते हैं, आवर कहते हैं, हीज कहते हैं, दिस कहते हैं, डैड कहते हैं, दोज कहते हैं, दोज है ना। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आर्टिकल को डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। कोई पूछता है डिटरमाइनर्स क्या है, तो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आर्टिकल को डिटरमाइनर्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम लोग पढ़ लिए कि देर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल दो तरह के होते हैं, फर्स्ट होता है डिफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंड होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम लोग सीख लिए कि डिफिनिट आर्टिकल कहते किसे हैं, तो द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, द को। जैसे दिस इज द मैन, मतलब यह वही आदमी है, इसी आदमी के बारे में बात कही जा रही है जिस आदमी की चर्चा हो रही थी। ठीक है, अब हमने आपको बता दिया कि द का यूज हम कब करते हैं, मतलब द का प्रोनाउंस द कब करते हैं, द का प्रोनाउंस THE, द को हम कब दी बोलते हैं, तो जब भी कोई इसके पहले वोवेल वर्ड शुरू होता है तो उसके पहले दी बोलते हैं, कंसोनेंट होता है तो द बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जो क्लास होने वाला है, कल का क्लास जो होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल है ना। पोजीशन ऑफ आर्टिकल मतलब, पोजीशन का मतलब होता है स्थान, आर्टिकल का स्थान कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूज ऑफ ए एंड द है ना, उसके बाद लिखेंगे ओमिशन ऑफ ए एंड द। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। कल का क्लास वेट कीजिए, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट देने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय